मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे ना। घर पे रहते खूब खेलते और खूब पढ़ाई करनी है ना घर पे रह के। चलिए आज की वीडियो में आपने पीछे वाली वीडियो में क्या सीखा था? बड़ी संख्या पे गोला लगाना। और आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? छोटी संख्या पे गोला लगाना। ओके, आपको पहचान हो गई ना छोटी संख्या और बड़ी संख्या। जो ज्यादा होता है वो बड़ी संख्या और जो कम होता है वो छोटी संख्या। तो चलते हैं आज हम छोटी संख्या पे लगाएंगे। छोटी संख्या पे घेरा बनाइए। 20 और 10, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? जो ज्यादा होता है वो बड़ी संख्या और जो कम होता है वो छोटी संख्या। तो यहाँ पे 10 कम है तो 10 से छोटी संख्या, तो इस पे गोला लगाए। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे 6 और 4, 6 और 4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? अगर आपके हाथ में 6 टॉफी है और दूसरे हाथ में 4 टॉफी है तो कौन ज्यादा हुआ कौन कम हुआ? 6 ज्यादा हुए और 4 कम हुए। तो हमें लगाने क्या है? छोटी संख्या पे घेरा। जैसे जो कम होता है वो छोटी संख्या होती है। ऐसे यहाँ पे 10 और 12, 10 और 12 में कौन ज्यादा है कौन कम है? 10 कम है और 12 ज्यादा है। तो हमें छोटी संख्या पे गोली लगानी है, इतना मतलब 10 पे गोला लगाना है। 11 और 9, एक तो आपने मैंने पिछले सिखाया था आपको इकाई और दहाई, इसमें इकाई और दहाई और इसमें सिर्फ इकाई है तो ये छोटी संख्या हो गई। जब हमें इकाई और दहाई दोनों संख्या में जोड़ना तो सबसे आसान है, जो इकाई होता है वो छोटी संख्या होती है, जो जिसमें दोनों होते हैं वो बड़ी संख्या होती है। यहाँ भी ऐसे ही है, 12 और 2, तो 2 छोटी संख्या है। 16 और 17, इसमें कौन छोटी संख्या है? तो 16 छोटी संख्या है। 9 और 10 में 9 छोटी संख्या है। 15 और 13 में 13 छोटी संख्या है। तो आपने सीख लिया छोटी संख्या पे गोला लगाना ना, और आपको मजा भी आया। तो घर पे बैठ के आप अपने बुक का गणित का जादू जो है उसमें पेज नंबर 82 में ये क्वेश्चन आंसर है जो आप घर पे बैठ के अपने बुक में बनाइएगा। ओके, बाय।